तो गाइस आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं क्लोज बीटा जो UGW का है उसका पूरा गेम प्ले का ओवरव्यू और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव की गई है जो कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। गेम प्ले शुरुआत होते ही हम यहाँ पर लॉबी में आ जाते हैं जो कि देख सकते हैं मैप भी यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस ये मैं गेम जब खेल रहा था ना भाई मुझे लग ही नहीं रहता क्योंकि इससे पहले भी मैंने दो बीटा खेला हुआ है इसका, तो उस टाइम पे कैरेक्टर मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें थे जो कि मैंने बताया भी थी उनके डेवलपर्स को कि ये इशू फिक्स करना पड़ेगा। और इस वाले प्ले टेस्ट 4 में भाई गजब का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो चलो सबसे पहले तो गेम प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है प्ले टेस्ट 4 में और आप भी यार पार्टिसिपेट कर सकते हैं खेलने के लिए। एक नंबर गजब का यहाँ पर मजा आ रहा था भाई, BGMI जैसे था ना भाई वैसा ही मेरे को यहाँ पर पूरा खेलने में मजा आ रहा था। और यहाँ पर आपके भाई ने विक्टोरी भी लिया है, जी हाँ विनर हो चुका है लास्ट, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले तो पैराशूट का कुछ ग्लिच था लास्ट टाइम तो वो भी इन्होंने फिक्स कर दिया है, लेकिन थोड़ा पैराशूट मुझे लग रहा है कि जरा ऊपर ही खुल जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये थोड़ा सा अपने को बताना पड़ेगा उनको ये जो था। फिर बाकी कैरेक्टर मूवमेंट भाई मक्खन की तरह चल रहा था, सच बोल रहा हूँ गाइस यहाँ पर कोई ये नहीं है। यहाँ पर मैं खुद फील कर रहा था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर। अब मुझे बाकी डिवाइसेस का ज़्यादा नहीं पता लेकिन मैं पूरा हाई ग्राफिक्स पे खेल रहा था, पूरा अल्ट्रा HD जो भी यहाँ पर हाई सेटिंग थी उसके ऊपर खेल रहा था और मुझे कोई भी लैग यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। लास्ट टाइम मिला था मैंने उन्हें बताया भी था कि भाई जब भी एनिमी आता है क्लोज तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेम ड्रॉप की, लेकिन इस बार नहीं हुआ है, इसी की वजह से मेरा ये विक्टोरी गेम हुआ है, बोले तो विनर मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। तो चलो कोई ना, यहाँ पर देख सकते फास्ट कैरेक्टर मूवमेंट गेमेंट हो चुका है, जो चीज़ें उठाने की भी रहती है नॉर्मली तो वो भी सब कुछ, और गन स्विच का भी यहाँ पर एनिमेशन और उसी के साथ ये फास्ट कर दिया है भाई। जैसे नॉर्मली अपने को PUBG और BGMI खेलते वक्त कोई फील नहीं होता है गन स्विच करने में वो सभी चीज़ें, और गाड़ी चलाते वक्त भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी के भी जो कंट्रोल से वो मक्खन की तरह यहाँ पर चल रहे थे। तो चलो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर इस बंदे को टपकाते हैं, अरे बच गया भाई, इसको 10 HP का तो मैंने डैमेज दिया है लेकिन ये भी भाई बंदा रियल था, तो ये भाई मेरे ऊपर अटैक करने आता है लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये पवन देशमुख खेल रहा है क्रिएटिव पवन। तो चलो गाइस कोई ना, यहाँ पर आपके भाई ने तो इसे टपका दिया है, पोटली बना दिया है, यहाँ पर पोटली का सिस्टम मेरे को मस्त लगा, यहाँ पर इन्होंने जो बक्से की जगह पे पोटली बना देता है एक नंबर। आपको बता देना गाइस कमेंट करके कि आपने इसे अभी तक ट्राई किया है कि नहीं, किया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, और करना चाहते हो तो भाई मैं आपको इनके डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप वहाँ पर फॉर्म भर के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई, अभी तो चौथा प्ले टेस्ट है लेकिन ये बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत ज़्यादा डेवलपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिख रहा है भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं हवे में। और इन्होंने मैकेनिक्स बदल दिया है थोड़ा सा, यहाँ पर जो अभी देख सकते हैं आपने मैंने बॉटल पी लिया है, बोले तो अपनी बूस्टअप के लिए अपन यहाँ पर ड्रिंक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देसी थर्रे की तरह यहाँ पर बॉटलें दे दी है मतलब पीने का, और भाई पूरे ताकत से आपको HP बढ़ेगा, तो वही सिस्टम है जो कि बढ़िया लगा यहाँ पर। तो मस्त है यार गाड़ी के मैकेनिक्स और ये सभी मेरे को मक्खन लगा इस बार, क्योंकि लास्ट दो वीडियो बनाए थे मैंने उसमें आप जाकर भी अभी भी देख सकते हैं, बहुत सारा आपको इस वाले वीडियो में पुराने वीडियो से इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो ग्राफिक्स वाला जो भी है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव किया है। लास्ट टाइम जो मैंने सबसे पहले खेला था इनका सेकेंड बीटा टेस्ट, उस टाइम पर रेंडर ही नहीं हो रहे थे, जो घास और उसी के साथ बड़े बड़े पेड़ है ना उनके पत्ते रेंडर नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार दूर दूर तक रेंडर हो रहे हैं, जी हाँ, और एनिमी स्पॉट करने में भी आसानी हो रही है, थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा यार इनको इम्प्रूवमेंट। अभी तो बीटा टेस्टिंग में ही चल रहा है, ये ओरिजिनल फुटेज नहीं है, आपको भी पता है अभी जो एक्चुअल वर्जन रहेगा वो एकदम मक्खन की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे मछलियाँ तैरते हुए दिख रही थी लेकिन ये मेरे कहते बॉट्स ही हो गए क्योंकि इन्होंने ऐड कर दिए गए हैं ताकि मतलब रियल बंदों को भी खेलने में थोड़ा मतलब मज़ा आ जाए, तो ये पानी में तैर रहे थे। अब इसमें रियल बंदा अगर होता तो तुरंत भाग के जमीन पे आता और मुझे मारने का ट्राई करता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा फ्री का किल मेरे को मिल गया ये बीटा टेस्टिंग में, वो जानबूझ के ऐड करते हैं क्योंकि ताकि ऐसा लॉबी जब भी आप मैच खेलने आओ, इन्होंने टाइम रखा है मेरे ख्याल से 6 से 10 बजे का रात के, तो वो टाइम पे कभी भी आप मैच खेल सकते हैं बीटा टेस्टिंग, तो इसकी वजह से ये इन्होंने रखा होगा बोर्ड्स को ऐड करके, और रियल बंदे भी आते हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। अभी जो सबसे पहला किल था मेरा वो रियल बंदे का था और लास्ट वाला भी रियल बंदे का ही होने वाला है, तो देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनको मार देता हूँ, लेकिन यार पानी के अंदर मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर जब भी मैं मतलब बंदे के ऊपर फायर करता हूँ तो वो जल्दी मतलब ऐसा लगता नहीं है कि पानी, मुझे लग रहा है पानी उन्हें मतलब गोलियाँ पानी के अंदर जल्दी लगती नहीं है, कुछ ऐसा ही सिस्टम लग रहा है, लेकिन बस खाली हेड पे जितनी अपर बॉडी है उसी के ऊपर लग रही है, लेकिन BGMI के और PUBG के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप पानी के अंदर भी
मतलब डाइव करते हैं और बंदे ने स्पॉट कर लिया है, तो भाई रैंडमली भी अगर आप फायर करते हो तो उसे बुलेट लगती है, तो ये चीज़ भी पॉइंट आउट करने वाली है, तो इनको बताना पड़ेगा। अभी गाड़ी वाई ने देख रहा, आपने पार्क किया मतलब पार्किंग किया था थोड़ा पानी से दूर ऊपर के साइड, लेकिन गाइस मेरे साथ स्कैम होने वाला है, मोए मोए होने वाला है। अभी तो मैं लूट लेता हूँ यहाँ पर पोट लिया, क्योंकि ये अपने को ज़रूरी है। तो चलो इसे सबसे पहले तो अपन ये लूट लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इन्वेंट्री मतलब जो अपना बैग पैक है इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, जो लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको दिखा दिया था, जो कि एक नंबर चीज है। ये देख सकते हैं कितनी सारी पोटलियां है, बाबा इधर तो मेरे को फ्री के किल फ्री का माल मिला, लेकिन भाई मेरी गाड़ी देखो भाई पानी में आ गई। तो ये बता देना गाइस, ये एक्चुअली रियल वाला जो कंसेप्ट रहता है अपना रियल लाइफ में, अगर आप गाड़ी छोड़ देते हैं बिना हैंड ब्रेक लगाए तो फिर वो पानी में चली जाती है, लेकिन ये इनको चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। एंड मौके पे इसे रिवर्स भी नहीं निकाल सकते पानी में से, भाई मेरे को पैदल भागना पड़ेगा आप जोन के अंदर। तो ये मुझे थोड़ा लगा, आपको क्या लगता है गाइस, ये सही है या नहीं है? क्योंकि ढलान पे गाड़ी फिसक रही थी मतलब घसर के जा रही है, तो वो सीन अब आप बता देना, उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए आपके भाई को, तो जरूर से बताना। वैसे तो ब्लू जोन आ रहा है और मैं थोड़ा सा ब्लू जोन के बाहर गया तो भाई डैमेज पड़ रहा था, ये भी बढ़िया किया है इन्होंने, क्योंकि देख सकते यार बोल ही नहीं सकते भाई, ये गेम खेलने लायक तो है गाइस, आने के बाद आप भी खेलोगे। अभी देखते हैं ये कब तक यहाँ पर अपने को मिल जाएगा अभी को खेलने के लिए, देखना तो पड़ेगा भाई, देखते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी एक ही बंदा बचा था, तो भाई मैं फास्ट फॉरवर्ड में अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं खोज रहा था भाई पूरे दोनों सर्कल में उसे, भाई एक ही बंदा बचा है और अभी मेरे को कुछ भी करके इसे विक्टोरी लेना ही मतलब विनर बनना ही है यहाँ पर। लेकिन मैं ढूंढ रहा बंदा दिख ही नहीं रहा भाई, क्या करे। लेकिन भाई फाइनली जाके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इस साइड आता हूँ तो तब जाके मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है, और अभी अरे यार थोड़ा सा बच गया। लेकिन नहीं थे रियल बंदा था, मेरे को भी डैमेज दे रहा था, और देखो अरे भाई खतरनाक फाइट थी यहाँ पे। ओके फाइनली उसे हेडशॉट लग गया मेरा उसी गन का, तब जाके फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका भाई यहाँ पर वेलवेट साइड विन हो चुका है, देख सकते हैं विनर आपका भाई हो चुका है। फर्स्ट टाइम मैंने 3 प्ले टेस्ट खेले और इसके अंदर आपका भाई विनर हो चुका है, जो कि क्योंकि हुआ क्योंकि फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, सच बोल रहा हूँ गाइस फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, इसी की वजह से मेरे को खेलने में मजा आया। तो भाई खतरनाक यार एक नंबर, और आप बता देना आपको गेम प्ले कैसे लगा, जरूर यार भाई लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।